हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस। हम रीजनिंग के अंतर्गत बैठक व्यवस्था पढ़ रहे थे। यह सिटिंग अरेंजमेंट का हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले हमारे 3 लेक्चर हो चुके। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले उनको देखिए, इसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा LPQR ST और W उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। तो यह ओपन फॉर्म वाला क्वेश्चन है, उसमें भी सिंगल लाइन वाला। कितने लोग हैं? 7 लोग हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? PL के बाएं चौथे स्थान पर है और LQ के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो इस इंफॉर्मेशन से हम शुरुआत करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एग्जैक्ट लोकेशन भी बताई है, साथ में इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा दी, तो इससे हम बना सकते हैं। सबसे पहला है हमारा PL के बाएं चौथे स्थान पर है। तो मान लीजिए L हमारा यहाँ पर है, L के बाएं, बायां किस तरफ होगा L का? इस तरफ, चौथा है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो P हमारा यहाँ आ जाएगा। इसके बाद और L Q के बाएं दूसरे स्थान पर, L जो है Q के बाएं दूसरे स्थान पर, Q का बाएं कहाँ होगा? इस तरफ, तो Q हमारा यहाँ होगा और Q से दूसरे स्थान पर हमारा L हो गया। अब देखिए यहाँ कितने अरेंजमेंट की टोटल संख्या कितनी है? यहाँ पर 7, और यहाँ पर देखिए कितने अरेंजमेंट हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जगह आ चुकी हैं। अब यह कंफर्म है कि जो भी जगह आप इसमें से निकलेंगी वो सबकी सब इसी के अंदर बैठेंगे, जो खाली जगह बची यहाँ पर। ना कोई क्यू के इस तरफ आएगा, ना ही पी के इस तरफ आएगा। अगली लाइन देखिए, आर जो एल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एस के एकदम दाएं को बैठा है। अब देखिए, R हमारा L का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो R हमारा यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ भी नहीं हो सकता। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती उनको हम नीचे लिख लेते हैं। लेकिन क्या है R? क्या है? S के एकदम दाईं ओर है। S हमारा ये हो गया और S का एकदम दाया इस तरफ होगा, यहाँ पे हमारा R आ जाएगा। अब देखिए, R यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता और इन दो जगह पर नहीं हो सकता, तो कहाँ बैठेगा? या तो यहाँ बैठेगा या यहाँ पे। लेकिन S के दाएं तरफ है, मतलब R के बाएं तरफ S है, तो अब कौन सी जगह बची R के लिए? सिर्फ ये जगह, और यहाँ पे हमारा S आ जाएगा। इसके बाद T W के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब हमारा जो T है W के बाएं दूसरे स्थान पर, तो पहला और दूसरा इस फॉर्म में है। अब ये कहाँ पे बैठ सकते? सिर्फ एक ही जगह बची है, यहाँ T आ जाएगा और यहाँ हमारा W आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई। अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा पंक्ति के अंतिम कॉर्नर में बैठा है? तो अंतिम कॉर्नर पे कौन है? P है और Q है। राइट आंसर हमारा P एंड Q हो जाएगा, ऑप्शन B। इसके बाद R और W के बीच कितने लोग बैठे हैं? तो देखिए, R और W इन दोनों के बीच में कितने बैठे हैं? 2 लोग। ऑप्शन जो C है वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज हम थोड़े से स्पीड में क्वेश्चन करेंगे। क्यों? क्योंकि हम 3 दिन से यही क्वेश्चन कर रहे हैं लगभग, तो अब आप पे बनने लगे होंगे। कुछ इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था इन क्वेश्चन में कि जो हम आपको डबल से करवाएं। अगला देखिए, यहाँ पर भी कितने एक सीधी रेखा में बैठे हैं, कितने लोग हैं? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। पहले इंफॉर्मेशन क्या है? डी ए के दाएं चौथे स्थान पर है, ठीक है। फिर यह सफिशियंट नहीं, थोड़ी सी कम इन्फॉर्मेशन है, तो इससे शुरुआत नहीं करते। अगले देखिए, ई पंक्ति के बाएं छोर पर है, ई व के बीच 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। इससे शुरुआत करते हैं। क्यों? इन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन भी दी और इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी ज़्यादा है। ई क्या है? पंक्ति के बाएं छोर पर है, तो मान लीजिए ई हमारा यहाँ पे हो गया। इसके बाद उन्होंने क्या बोला है? ई व के बीच 5 व्यक्ति हैं। कितने हैं? 5। तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमारा के हो जाएगा। यही बोला ना, ई व के बीच में 5 व्यक्ति हैं। इसके बाद पहली लाइन देखिए, डी ए के दाएं चौथे स्थान पर है, ए के दाएं चौथे स्थान पर, तो दाया यहाँ पे होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे हमारा डी आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे कितने स्थान हो चुके हमारे? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब
ना तो कोई ई के इस तरफ आएगा ना ही के इस तरफ आएगा, तो ए और डी कहाँ बैठेंगे, इनके बीचों बीच। तो कौन सी जगह बची, ए के लिए यह जगह बची, क्यों, इसके बीच में तीन लोगों को बैठा लेना, एक दो तीन, और डी हमारा यहाँ आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जे के बाएं तीसरे स्थान पर, के यहाँ पर है, के बाएं तीसरा कौन होगा, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे हमारा जे आ जाएगा, यही दिया ना, जे के बाएं तीसरे स्थान पर है। इसके बाद एफ डी के डी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा है, कौन, एफ हमारा यहाँ नहीं होगा, तो एफ के लिए जगह कौन सी बची, सिर्फ यही जगह बची, एफ हमारा यहाँ आ गया। अब कौन बचा हमारा, एच, एच हमारे यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा है, कौन पंक्ति के ठीक बीच में बैठे व्यक्ति को निरूपित करता है। तो हमारे बीच में दो तीन इस तरफ हो गए, तीन इस तरफ हो गए, बीच में क्या बचा हमारा, जे, पहला ऑप्शन सही। इसके बाद ए व एच के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, देखो ए और एच के बीच में कितने लोग बैठे, दो लोग, ऑप्शन बी राइट, आए समझ में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब क्या दिया है, छह व्यक्ति एम एन ओ पी क्यू और आर दो पंक्तियों में तीन तीन बैठे हैं, मतलब अभी पंक्ति सिंगल लाइन वाली थी, अब कितने, दो लाइन वाले क्वेश्चन आ गए। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तीन ऊपर होंगे तीन नीचे साइड होंगे। इसके बाद क्यू किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं बैठा, पहली इन्फॉर्मेशन दी है कि क्यू जो है किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं, तो मतलब क्यू हमारा बीच में होगा, तीन ऊपर साइड हैं और तीन हमारे नीचे तरफ होंगे, तो क्यू बीचों बीच है, या ऊपर हो सकता है या नीचे हो सकता, इसको छोड़ दीजिए। आगे देखिए पी की स्थिति आर के बाई ओर दूसरी है, आर के बाई ओर दूसरी है, तो मान लीजिए आर हमारे यहाँ हो गए, आर के बाई ओर दूसरी, यहाँ पे हमारा पी आ जाएगा। ठीक, इसके बाद ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में पी के व्यकरणवत है, इस वर्डिंग को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर अभी आपके लिए नया होगा, विकर्णवत, विकर्णवत क्या होता है, विकर्ण, विकर्ण आप सभी जानते हैं, मान लीजिए यह एक हमारा आयत है, तो ये जो लाइन है इन दो पॉइंट को मिलाने वाली है हमारा विकर्ण होता है, या थीटा के सामने वाला, सामने वाली लाइन विकर्ण होती है। ठीक है, आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा, तो वर्ग में भी होता है विकर्ण, या हम त्रिभुज की बात करें समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज में भी विकर्ण होता है। तो विकर्ण से मतलब यह है कि अगर एक व्यक्ति यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, तो ए बी के क्या है, विकर्णवत है, यही कहलाता है विकर्णवत। तो इन्होंने क्या बोला है, ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में है, मतलब क्यू के पड़ोस में है और पी के विकर्णवत है, तो पी का विकर्णवत यहाँ पे होगा, मतलब एक व्यक्ति यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, तो पी के विकर्ण में मतलब इस तरफ कौन होगा हमारा, ओ आ गया, और ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में, तो क्यू के पड़ोस में हो गई, यही दिया है ना, एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, ओ की स्थिति क्यू के पड़ोस में और पी के विकर्णवत है, तो हमने अभी बताया था विकर्ण क्या हो गए, या इस तरफ, या मान लीजिए यहाँ पर x और यहाँ पर y है, तो x y के विकर्णवत है, तो ऐसे p के विकर्णवत कौन हो जाएगा हमारा, o, और o क्या है, q के पड़ोस में है, तो q के पड़ोस में हो गया। अब क्या दिए, n की स्थिति r के पड़ोस में है, r के पड़ोस में हमारा n हो गया, अब क्या बचा हमारा, m, ठीक। अब क्या पूछा है उन्होंने, एन के सामने कौन है, तो एन के सामने हमारा क्या है, क्यू, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक बार आपने अरेंजमेंट बना लिया, तो अब कोई भी क्वेश्चन पूछे या कितने भी तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आप इजीली कर सकते हैं। और एक चीज़ और हम आपको बता दें, इन नंबरिंग के ऊपर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ये हमने क्वेश्चन कुछ बुक्स में से उठा के दिए हैं, तो उसमें जो नंबरिंग रहती है वो आपको दिख जाती है, डायरेक्ट इमेज के फॉर्म में लिए हैं, तो आप इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दीजिए, आपको तो क्या है, सीखना है, कैसे भी सीखें, कहीं भी, कहीं से भी सीखें या किसी भी क्वेश्चन से सीखें,
आपको तो सिर्फ क्वेश्चन से मतलब है, जो हम मेथड आपको समझा रहे हैं उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक समिति में 6 सदस्य हैं जिनमें 3 पुरुष M1, M2 और M3 तथा 3 महिलाएं F1, F2, F3 एक षटकोणीय, अब देखिए एक नया वर्ड आ गया, षटकोणीय मेज के कोण पर चर्चा के लिए बैठे हैं। अब षटकोणीय मतलब हमने आपको पहले बताया, ये क्लोज डायग्राम है, षटकोण आपने देखा होगा ना, जिसके 6 कोण एकदम बराबर होते हैं। यह कुछ इस तरीके की आकृति होती है, या इसको थोड़ा सा और सुधारने की कोशिश करते हैं अपन। ठीक है, लगभग लगभग यही होगा। अब इसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, कोण पर बैठे हैं मतलब चारों कॉर्नर पर बैठे हैं। अगर आप ध्यान दें कि अगर हम इनकी लाइनिंग को मिला दें तो कितनी, वही अपनी 6 लाइन बन रही है। तो हमें ना तो मेज बनानी है ना षटकोण बनाना है, हमें डायरेक्ट कितनी 6 कॉर्नर पर बैठे हैं, तो वही जो हमने आपको पहले बताया था, हम डायरेक्ट ये हमारे 4 हो गए और ये 6 लोग हो गए, बस इसी टाइप से बनाएंगे। देखिए वही है, अपनी 6 लाइनें हैं, 6 लाइन ही हो गई, डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी षटकोण आए तो आप इस तरीके की आकृति नहीं बनाइएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 6 है तो 4 और ये 6, इसके बाद M3, F2 और F3 के बीच में है। अब एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो इससे हम शुरुआत नहीं करेंगे। फिर F3, M1 और M3 के बीच में है, हमने आपको पहले बताया था, पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, तो इन दोनों से शुरुआत नहीं करेंगे। अब देखिए चौथा, देखिए क्या दिया है, M1 F1 के बाईं ओर है, यहाँ पे कन्फर्म लोकेशन बता रहा है, तो इस इन्फॉर्मेशन से हम शुरुआत करते हैं। क्या है, M1 है जो F1 के बाईं ओर है, तो F1 हमारा यहाँ आ गया, M1 कहाँ होगा, यहाँ पे, तो M1 के बाईं ओर कौन आ गया हमारा, F1, ठीक है, तथा F2 के सामने बैठा है। तो तथा या और लगा रहता तो किसकी बात होती, पहली संख्या की, मतलब M1 की। M1 F1 के बाईं ओर तथा F2 के सामने बैठा है, तो M1 जो है F2 के सामने है। हमने पहले भी बताया था कि अगर जो लगा हो तो दूसरा व्यक्ति, और या तथा लिखा है तो वह कौन सा, पहला व्यक्ति। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, M1 की। M1 क्या है, F2 के सामने बैठा है। अब F2 के सामने बैठा है, अब कोई भी इनमें से लाइन उठा लीजिए। देखिए M3 F2 और F3 के बीच में है, F2 यहाँ है, F3 हमारा यहाँ होगा, इनके बीच में क्या है, M3, तो यहाँ हमारा M3 आ गया। अब हमें कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते, सिर्फ एक ही जगह बची है किसके लिए, M1 हो गया, M3 हो गया, यहाँ पर M2 आ जाएगा। इसमें भी देख लीजिए वही लिखा है, F3 जो है M1 और M3 के बीच में है, M1 M3 के बीच में F3 हो गया, ठीक है, क्या F3 हमारा M1 और M3 के बीच में, ठीक है। उसके बाद M3 जो है F2 और F3 के बीच में, F2 और F3 के बीच में M3, हाँ ठीक है, ये हमारी पूरी सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट होगी। इसके बाद अब क्वेश्चन पर आते हैं, क्या पूछा उन्होंने, M2 के सामने कौन है, तो M2 के सामने कौन है, F3, डी ऑप्शन राइट है। फिर F2 और F1 के मध्य में कौन है, F2 और F1, हाँ F2 और F1 इनके बीच में क्या है, M2। इसके बाद M2 के बाईं ओर कौन बैठा है, M2 के बाईं ओर F2 है, ये हमारा F2 हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न लगा हो क्योंकि सिमिलर वर्ड डाले हैं, इसलिए उन्होंने M1, M2, M3 क्यों, क्योंकि आपको थोड़ा सोचना पड़े, टाइम ज़्यादा लगे, एक बार फिर से समझ लीजिए अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है। 6 हैं,
ये हमारे 6 लोग हो गए। शुरुआत तीसरी वाली से करेंगे, इन्फॉर्मेशन से क्या दिया है, M1 F1 के बाईं ओर है। चलो F1 हमारा ये हो गया, इसके बाईं ओर कौन है, M1, तो इसका बाएं यहाँ पे, ये हमारा M1 हो गया। इसके बाद तथा F2 के सामने बैठा, तथा मतलब पहले की बात हो रही है, M1 क्या है, F2 के सामने है, तो हमारा F2 यहाँ पे आ गया। इसके बाद पहली इन्फॉर्मेशन M3 जो है F2 और F3 के बीच में, F2 यहाँ पे है तो F3 यहाँ तो नहीं आ सकता, यहाँ आ जाएगा, F3 यहाँ आ गया, इन दोनों के बीच में क्या है M3, ये हमारा M3 होगा। अब कुछ नहीं पढ़ना, अब देखिए सिर्फ एक जगह बची, और कौन बचा हमारा, M1 ये है, M3 यहाँ पे है, M2 रह गया, तो डायरेक्ट M2 हम लिख देंगे और कहीं भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। इसके बाद आखिरी लाइन है, कोई भी पुरुष एक दूसरे के बगल में नहीं बैठा है, ना ही महिला एक दूसरे के अगल बगल। देखिए तो यहाँ F है, यहाँ M है, यहाँ F है, यहाँ M है, F है, M, मतलब इस वाली लाइन की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ दो लाइनों से हमने पूरा क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी सी डी ई तथा F एक षड्भुजाकार मेज के 6 कोनों पर बैठे हुए तथा केंद्र की ओर देख रहे हैं। वही बात, हमें षड्भुजाकार नहीं बनाना, वहाँ पे कोई ड्राइंग की प्रतियोगिता नहीं हो रही कि हम अच्छे से मेज बनाएं फिर उस पर बैठाएं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है और स्पीड में सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, यही ये हमारे 4 लोग हो गए और ये 6 हो गए। इसके बाद आगे बढ़िए, ए बी के दाएं दूसरा है, ठीक है, और आगे पढ़िए कुछ और दिया है क्या, ए तथा ई के बीच में एफ नहीं बैठा हुआ है, सी बी के तुरंत बाएं बैठा हुआ है जो ई के दाएं दूसरा है। चलिए पहले इन्फॉर्मेशन शुरुआत करते हैं, ए बी के दाएं दूसरा है, बी हमारा यहाँ पे है, बी का दाएं दूसरा कहाँ, यहाँ पे होगा, इस तरफ होगा ना दाया, तो पहला दूसरा यहाँ पे हमारा ए आ गया, ए बी के दाएं दूसरा है। अब क्या दिया है, ए तथा ई के बीच में एफ नहीं बैठा, इसके बारे में अभी हमें कुछ पता नहीं, इसको छोड़ दीजिए। अब क्या है, सी बी के तुरंत बाएं बैठा है, तो बी का तुरंत बाएं कहाँ पे हुआ, इस तरफ, यहाँ पे हमारा सी आ गया। जो अब देखिए यहाँ पे जो आया मतलब सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन कौन है, बी, हम क्या करेंगे डायरेक्ट बी को यहाँ रख के पढ़ सकते हैं डायरेक्ट, बी ई के दाएं दूसरा है, बी जो है ई के दाएं दूसरा, तो ई हमारा कहाँ हुआ, यहाँ पे। अब देखिए ई का दाएं दूसरा हुआ ना, पहला ये दूसरा ये, ई हो गया। इसके बाद ए तथा ई के बीच में एफ नहीं बैठा हुआ है, ए तथा ई के बीच में एफ नहीं, एफ यहाँ नहीं हो सकता, तो हमारा एफ यहाँ आ जाएगा। अब क्या बचा हमारा, ए बी सी डी ई एफ, ई हो गया, बी हो गया, सी हो गया, एफ हो गया, अब क्या बचा हमारा, ए बी सी, ए बी सी डी, हाँ अब बचा हमारा तो डी, डी हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मतलब आपने हमारे दो वीडियो नहीं देखे सही तरीके से, आप उन दो वीडियो को ज़रूर देखें, उसमें हमने बताया कि हम डायरेक्ट बी को क्यों यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखना नहीं है सिर्फ माइंड में करना है आपको ईजी करने के लिए, आप कभी भी कन्फ्यूज नहीं होंगे जो और में। ठीक है, तो जो हमेशा हम दूसरे व्यक्ति के लिए यूज़ करते हैं मतलब ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं, और होता है या अथवा लिखा होता, या सॉरी अथवा नहीं, और तथा लिखा होता तो हम सी मतलब पहले व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखिए निम्नलिखित जानकारी तो ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को उत्तर दीजिए। ठीक है, कितने ये 10 सदस्य हैं हमारे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे 10 सदस्य हैं जो एक्स व वाई टीम में बटे हैं, प्रत्येक टीम में 5 सदस्य हैं। अभी देखिए दो टीम है अपनी, अभी तक हम जो डबल लाइन की क्वेश्चन कर रहे थे तीन तीन व्यक्तियों की कर रहे थे, अब लेकिन यहाँ पे कितने 5-5 व्यक्ति हैं, 10 हैं टोटल, 5 ऊपर होंगे 5 नीचे होंगे, एक्स व वाई टीम में बटे हैं, प्रत्येक टीम में 5 सदस्य हैं, दोनों टीम के सदस्यों को आमने सामने दो पंक्तियों में इस प्रकार बैठाया जाता है कि एक्स टीम का एक सदस्य वाई टीम के एक सदस्य के ठीक सामने है। ठीक है, वही एक्स टीम के सदस्यों का मुख उत्तर दिशा की ओर है, ठीक है, तो वाई का वैसे ही दक्षिण की ओर होगा। सबसे पहले कितने 5-5 लोग हैं, एक
अब उन्होंने क्या बोला था, एक्स टीम के सदस्यों का मुंह उत्तर दिशा की ओर। हमने बताया था कि उत्तर हमेशा हम ऊपर साइड को मानेंगे, तो यह हमारी कौन सी टीम हो गई, ये हमारी एक्स टीम हो गई, ये हमारी वाई टीम हो गई। ठीक है, आगे बढ़िए। पहले दिया है डी ए के दाएं, तीसरा है और जी के एकदम ठीक सामने बैठा है, तो हम यहाँ पे अभी नहीं बैठाएंगे। क्यों, एग्जैक्ट नहीं पता डी नीचे तरफ है कि ऊपर तरफ है। फिलहाल हम डी को नीचे नीचे वाली लाइन में लेके चलते हैं। क्या है, डी ए के दाएं तीसरी तरफ है, ए का दाएं कहाँ, इस तरफ होगा, डी है कौन से, तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे हमारा डी आ गया और जी के एकदम सामने बैठा है, तो डी के सामने क्या होगा, हमारा जी होगा, यह कन्फर्म पता चल गया। अब लेकिन यहाँ पे हमें क्या कन्फर्म होगा, अगर जी यहाँ पर है तो जी के इस तरफ भी हमारे तीन जगह और होगी, और जी के एकदम सामने बैठा है। अब देखिए बी जी के एकदम ठीक दाईं ओर बैठा है, जी का दाया किस तरफ होगा, जी का दाया इस तरफ नहीं होगा, क्यों, इनका मुख हमने ऊपर तरफ माना है, तो जी का जो मुंह है नीचे साइड होगा, तो जी का दाया कहाँ पे होगा, इस साइड होगा, इस तरफ होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा बी, बी जी के एकदम दाई ओर है और उसका मुख दक्षिण की ओर है। ये देखिए यहाँ पे कंफर्म हो गया कि जो हमने बैठाया है वह सही है, कि बी नीचे की तरफ देख रहा था, मतलब ये हमारी टीम ऊपर की साइड देख रही होगी। ठीक है, एच बी के दाईं ओर तीसरा है, एच क्या है, बी के दाईं ओर तीसरा है, बी हमारा यहाँ पर है, बी का दाया कहाँ होगा, इस तरफ होगा, कौन से नंबर पे, तीसरा, तो पहला दूसरा और तीसरा यहाँ पे हमारा आ जाएगा एच। ठीक है, अब एच यहाँ आया तो एक एच के सामने बैठा होगा व्यक्ति, अब देखिए एच बी के दाएं तीसरा है और एफ के ठीक सामने है, और लगा है मतलब पहले व्यक्ति की बात हो रही है एच की, तो क्या है एफ के ठीक सामने, तो एफ हमारा एच के सामने हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्या लिखा है, सी ए तथा ई के बीच में है, ए तथा ई के बीच में हमारा कौन सा है, सी है और आई के सामने है, यहाँ भी और लगा, और मतलब पहला व्यक्ति कौन, सी, सी के बारे में बात हो रही है, सी जो है आई के सामने बैठा है, तो सी के सामने क्या हो जाएगा हमारा आई। अब क्या बचा हमारा यहाँ पर, जी एच आई जे, अब बचा हमारा जे, तो जे हमारा यहाँ आ जाएगा। ये हमारी सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट हो गई, इन लाइनों की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखने में क्वेश्चन बड़ा है लेकिन है बहुत ईजी, आपको लग रहा हो कि बहुत बड़ा है, वैसे भी यह कैनरा बैंक क्लर्क का क्वेश्चन है हमारा, हम जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है, उन्हीं क्वेश्चन को हमने उठाया है जो आपको बता रहे हैं। अब देखिए इनमें से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सी के बाएं दूसरा कौन है, सी ए, सी के बाएं दूसरा कौन है हमारा एफ, निम्न में से किन व्यक्तियों, निम्न में से व्यक्तियों का कौन सा समूह एक ही पंक्ति में बैठा है, एच आई ई, तो एच आई ई नहीं, यह गलत है, फिर एच आई जी, तो एच आई और जी, हाँ यह हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इनको देख लीजिए, ए सी बी, ए सी बी नहीं ये गलत है, सी डी आई, तो सी डी आई ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फोर। अब क्या पूछा है, बी के एकदम दाएं ओर कौन है, तो बी का एकदम दाया, लेकिन ध्यान रखिए जब भी हम ऊपर वाली पंक्तियों की ओर बात करते हैं तब वहाँ पे चेंज हो जाती है डायरेक्शन, वहाँ पे आप खुद को रख के देखिए फिर उसको सॉल्व करिए। क्या बोला है, बी के एकदम दाएं, तो बी का दाएं कहाँ पे होगा, इस तरफ, तो बी के एकदम दाएं कौन है हमारा आई, ऑप्शन थ्री सही। जे के एकदम बाईं ओर कौन है, अब देखिए जे यहाँ पे भी अपोजिट साइड है, तो बायां पूछा है तो इस तरफ,
जे का जे के एकदम बाईं ओर कौन है? आई। नन ऑफ दिस, इसमें ऑप्शन भी नहीं है। जे का एकदम बाएं कौन है? आई। और बी के एकदम दाएं पूछा था, ठीक है। थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट है ये सवाल, चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं अगर आपको कहीं भी डाउट है तो। सबसे पहले कितने? 10 लोग हैं, हमें एरो की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। एक्स और वाई टीम में बटे हैं, ठीक है। दो हैं अपने, एक वाई टीम है, एक हमारी एक्स है। एक्स टीम का मुंह उत्तर दिशा की ओर है और वाई टीम का दक्षिण दिशा की ओर है। दोनों टीमों के सदस्य को आपने सामने बैठा गया। इसके बाद सबसे पहला क्या है, क्या दिया उन्होंने? डी ए के दाएं तीसरा है, तो हमने यहाँ पे मान लिया ए हो गया, ए का दाया। अभी हम इसको उत्तर दिशा की ओर करके बैठे हैं। ध्यान रखिए दिशा का बहुत बड़ा रोल है, हो सकता है कि यह नीचे दक्षिण दिशा की ओर की है, लेकिन हम हमारी सुविधा के हिसाब से इसको पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। डी ए के दाएं तीसरा है, ए का दाया तीसरा कहाँ पे होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे हमारा डी आ गया। और जी के एकदम सामने बैठा है तो जी हमारा सामने आ जाएगा। अब जी हमारा जब यहाँ पर है तो यहाँ पे तीन जगह और होंगी हमारी जी के सामने। अब क्या दिया है? बी जी के एकदम दाईं ओर बैठा है, तो जी नीचे साइड देख रहा है, तो जी का दाया कहाँ? इस तरफ होगा। यहाँ पे हमारा बी आ गया, एकदम दाईं ओर है, और उसका मुँह दक्षिण की ओर। यहाँ पे दिया है उसका मुँह दक्षिण की ओर, मतलब किसका? बी का। तो यहाँ से कन्फर्म हो जाता है कि बी का मुँह जब दक्षिण की ओर है तो मतलब हमने सही सेटिंग में अरेंजमेंट बैठाई। अगर यहाँ पे लिखा होता कि उसका मुँह उत्तर की ओर है तब हम क्या करते? तब हम इसको अपोजिट बना लेते। यहाँ पे हमारा डी हो जाता, फिर एक दो स्पेस यहाँ पर ए, और डी के जस्ट नीचे क्या है हमारा? जी, और जी के बाजू में हमारा बी। इस तरीके से हम इसको चेंज कर लेते। लेकिन सवाल में उन्होंने बता दिया उसका मुँह दक्षिण की ओर है, हमारे यहाँ पर देखिए यहाँ भी उसका मुँह दक्षिण की ओर, तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। एच बी के दाएं को तीसरा है। अब बी का दाएं कहाँ होगा? इस साइड होगा, क्यों? नीचे साइड से देखिए, जब नीचे तरफ देख रहा है तो दाया इस तरफ होगा। या आप तो सिंपली क्या किया करें, आपके पास कागज रहेगा तो कागज को अपने हिसाब से घुमा लें। कुछ लोग ऊपर साइड हैं, कुछ लोग नीचे साइड, तो जब नीचे वालों को सॉल्व करना है तो नीचे वालों के दाएं के बाएं के हिसाब से चलेंगे, और जब ऊपर वालों को सॉल्व करना है तो पेज को आपने मोड़ लिया। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया है? एच बी के दाएं को तीसरा है, बी का दाएं यहाँ पर है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पर हमारा एच आ जाएगा। यहाँ हमारा एच आ गया। अब एच यहाँ पर है तो एच के सामने भी एक जगह होगी। अब देखिए कितने? एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच पाँच लोग हुए। अब और कोई जगह एक्स्ट्रा नहीं बनेगी। अब और क्या दिया है? एच बी के दाएं तीसरा है और एफ के ठीक सामने है। एफ के ठीक सामने कौन हो गया? एच। यहाँ पे और लगा है, और मतलब पहले व्यक्ति की बात हो रही, मतलब एच के ठीक सामने एफ है। इसके बाद सी ए व ई के बीच में है, तो ए हमारा यहाँ पर है, ई हमारा यहाँ पे होगा, सी ए और ई के बीच में है, और आई के सामने है, यहाँ और लगा, तो पहला व्यक्ति यहाँ पे कौन हो गया? सी। सी के सामने, सी किसके सामने है? सी हमारा आई के सामने। अब क्या बचा हमारा? जी, ठीक है। ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। थैंक यू।